भी वड़ी एकरी गाला इन करे गालियन के गोलमोल कया पई तमा ताके बुधाई सगा इन करे त मोवट हेरी पसले जेला अल्फाज ही कोनन त केरे तरीके सा ताके एक्सप्लेन कया त हु हुन बारन जी एकरी विशेस पूरी कंदो आहे हु हेरे बारन जी जेका हु चाहन था जेको भी मतलब एकरी विश अगर हु मे ठाइन था त हु पूरी थी विंदी आए इन केरे तरीके सा पूरी थींदी आए आई एम श्योर यू माइट बी रियली कंफ्यूज्ड दैट व्हाट आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट त मा ताके बुधाईंदी अला टाइम नथी वेस्ट कया इन करे त प्रोग्राम जेतरो वधीक हलंदो होतरे होतरो असा भी एंजॉय कंदासी ऐं जेका मुंहिंजा अट क्यूट लिटिल थ्री किड्स जेका मुंहिंजा अॼु जा ख़ासि महिमान ख़ुसूसी जेके चयो वेंदो आहे हू आहिनि त हुन सां गॾु ॻाल्हि करण जो मौक़ो बि मिली वेंदो असां सां गॾु हेरी पर्सनैलिटी ते वेठी आहे जंहिंजी ऑर्गेनाइज़ेशन मेक अ विश जे बारे में असां ॻाल्हाईंदासीं हुन सां तालुक रखंदड़ या हुननि जा प्रेसिडेंट असां सां गॾु हिते वेठा आहिनि मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहिबु अचो वेलकम कयूं था अस्सलामु थैंक यू सो मच महा ऐं शुक्रिया बहुत बहुत मैं आपका ऑसम टीवी का शुक्र गुजार हूँ कि आप लोगों ने मेक ए विश को आज इन्वाइट किया अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम बिकॉज इट्स कम्प्लीटली एन ऑनर। अगर आप जैसी पर्सनैलिटी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है तो मैं समझती हूँ सिन टीवी के लिए नहीं बल्कि जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए एक प्राउड फील करने वाली बात है क्योंकि आप जिस तरह का काम आप करते हैं जितने बच्चों की ख्वाहिशें आप पूरी करते हैं मेरे ख्याल से वो एक छोटे बच्चे के लिए सेंटा क्लॉज से कम नहीं है। जैसे वो विशेष पूरी करते हैं इस तरह से आप उन बच्चों की विशेष पूरी करते हैं। महा जैसे आपको मालूम है कि मेक ए विश इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 50 ममालिक के अंदर है और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज के अंदर मुब्तला होते हैं उनकी जो भी इनर विश होती है या चेरिश विश आप कह लें वी डोंट कॉल इट द लास्ट विश बट उसको हम फिर जी ग्रांट करते हैं या उनके ख्वाब को पूरा करते हैं। मेक ए विश पाकिस्तान का मिशन यह है कि कोई पाकिस्तानी बच्चा कोई ख्वाब लेके इस दुनिया से रुखसत ना हो जी। और हम अब तकरीबन 4 सालों में सैकड़ों विशेस को हम ग्रांट कर चुके हैं जिसमें कुछ बच्चे जो था एक दिन का फौजी भी बना था जी। और बाद में वो कैनी साहब से भी जाके मिला और इसी तरह पायलट बनना जी फेरी बनना आई वॉन्ट टू बी अ फेरी आई वॉन्ट टू बी अ प्रिंसेस इस तरह की साथ साथ कुछ ऐसी विशेस भी होती हैं जो कुछ टू हैव समथिंग मीन्स उनको किसी चीज की जरूरत होती है मगर पाकिस्तान को ये बड़ा एहसास हासिल हुआ कि जब से हमने यहाँ पे शुरू किया है कि हमारी बड़ी यूनिक विशेज आ रही हैं जी। और ये हमारी जो विश हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पहली विश है जो मुल्क से बाहर हमने इसको ग्रांट किया है जी। और ये विश थी 4 बच्चे थे इनफैक्ट बट एक बच्चा उसकी बीमारी से डॉक्टर्स ने उसको इजाजत नहीं दी ये 3 बच्चे और 1 साल से इनकी ख्वाहिश ये थी कि ये सलमान खान से ये मिलना चाहते हैं ना सलमान खान से मिलना इट्स नॉट ए इजी थिंग बिकॉज ही इज अ बिजी स्टार बट मेक ए विश इंडिया जो है उनका सलमान इज अ वेरी एक्टिव मेंबर और उन्होंने कहा कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आई वाज सरप्राइज्ड दैट एक बार उनके मैनेजर का और फिर सलमान खान की कॉल हमारे पास आई है कि आप मुझसे नहीं पूछें कि मैं कब अवेलेबल हूं ये मुझे बतलाएं कि उनकी सेहत कब परमिट करती है मैं अपने आप को इस तरह अकोमोडेट करूंगा जी। तो आई विल टेल यू वन थिंग कि सलमान इज नॉट जस्ट ए ग्रेट स्टार ही इज अ ग्रेट 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 मैन एज वेल रियली और फिर हम इन बच्चों को लेके गए एक ड्रीम सफर शुरू हुआ और ये बच्चे आखिर तक यकीन नहीं कर रहे थे कि जनाब ऐसा हो भी पाएगा और नॉट ओनली सलमान खान से मिले 1 घंटा उसके साथ इन लोगों ने वो जी किया और जिस तरीके से उन बच्चों को हक किया है जिस तरीके से इनको तोहफे दिए हैं वॉचेज अपनी उसने बींग ह्यूमन की इनको दी है जी इनके साथ टाइम गुजारा इनको अपनी फिल्म के शूट के लिए वहां पे उनसे कहा शूटिंग के लिए आए देखें अपने भाई से कहा कि इनको घर पे बुलाओ इनको खाने के ऊपर सुहेल को इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि इन बच्चों की तो खुशी जो है वो तो आपको नजर आ रही है और हम भी बड़े खुश हैं कि हमने इनका ड्रीम जो है फुलफिल किया मगर सिंध को एक बहुत बड़ा ऑनर मिला है इस विश ग्रांटिंग के अंदर जब हमने मैंने उनसे ये कहा कि सलमान साहब मैं सिंध से आया हूं और हमारी रवायत है कि हम सिंधी टोपी उसने कहा आप मुझे मत बतलाएं मैं जा चुका हूं सिंध मेरी यादें हैं वहां से और फिर हमने उसको जनाब अजरक पहनाई उसको हमने सिंधी टोपी पहनाई और वो उसमें इतनी उस पर सज रही थी कि बहुत अच्छा वो लग रहा था इसको और उसको भी बहुत पसंद आई और फिर उसने अजरक और सिंधी टोपी के अंदर ये फोटोग्राफ अपनी फेसबुक के ऊपर डाले हैं जो 9 मिलियन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर जिसको विजिट किया तो एक बहुत बड़ा ऑनर है सिंध के लिए कि इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टार जो है उसको और फिर उसको वहां पे अखबारों ने जो है वो साईं वडेरा का जी खिताब दिया
मगर साथ में एक कंट्रोवर्सी ये भी शुरू हुई कि वहां पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके इकबाल ठाकरे जो हैं शायद वो हेड हैं, उन्होंने इस चीज को बहुत बुरा माना कि जी किस तरह आपने इजरक और सिंधी टोपी पहनी है, और एक जगह ये भी कोर्ट हुआ कि जी उसको तो सिंध अब वापस भेजा जाए। जी, तो ये सब कॉन्ट्रोवर्सीज थी, लेकिन उसके बावजूद जो आपने किया और स्टिल सलमान खान जो कि इतने बड़े स्टार हैं, मैं बोलती हूँ हर किसी के फेवरेट, उन्होंने इतना कुछ वो करते हैं उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके अलावा जितने भी उस तरह के बच्चे या किन्हीं को भी देखते हैं, आई नेवर हर्ड उन्होंने कभी भी किसी को मना किया हो। नहीं, ही इज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पाकिस्तान। एग्जैक्टली, मैंने उनके साथ ये तीन दिन हमने उनके साथ गुजारे हैं, एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ही सेड पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री अबाउट द सिंध, उसने बहुत अच्छी बातें की हैं, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी बच्चों के लिए। एक चीज मैं आपको वाकई बतलाना चाहता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो बीमारी के बायस डॉक्टर्स ने उनको अलाउ नहीं किया, तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा कार्ड बना के सलमान खान को भेजा था इनके हाथ, जिसपे ये लिखा था कि हम अपनी बीमारी की वजह से शायद ट्रैवल नहीं कर सके, मगर आपको तो अल्लाह ने सेहत दी है, आप तो हमसे मिलने आ सकते हैं। और ये उसकी आंखें वेट हो गई और उसने कहा कि नहीं, टेल दीज किड्स इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी, और मार्च में, कल भी मेरी सुहेल से बात हुई जो उनके भाई हैं, हिस्से के भाई से बात हो रही है, इंशाल्लाह हम मार्च के अंदर पाकिस्तान को विजिट करेंगे और दूसरे बच्चों से भी मिलेंगे। अगेन सिंध के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि जो ही विजिटिंग सिंध आ रहे हैं। बिल्कुल, इन्हीं बातों को कंटिन्यू करेंगे। टे मोर इतने पर्सनैलिटीज वेठी हुई और पर्सनैलिटीज हाँ डिस्कलोज नहीं कया इन करें तो कमर्शियल ब्रेक अच्छी हुआ। ब्रेक का कोई अच्छी है जो नंढा क्यूट बेबीज उनका गए मौजूद हैं, उनका गए थोड़ी तारीफ होंगी, तारुफ होंगे, थोड़ी गाल बोल थी, तहां भी सके ज्वाइन इन कर सूँ, कॉल कर 0213 डायल कर 4541828 असो कॉन्टैक्ट नंबर आ बुधा असके स्पीक अप गाल कर बुधाओ असें तक किए लगो अस स्टार्टिंग में हाँ तक कि महसूस कर पाया कड़ी गालू तक बुधियों कड़े तरीके से नंबर बारे से गलो इन कर अज के मुझे सेगमेंट से स्पेशली गेस्ट ऑफ ऑनर्स मुझे गए थे टे वेठा तो असं गाल क्यों था उनका नंबरी ब्रेक का पे यू डोंट गो एनी वे कीप वॉचिंग सलाम सिंध। वेलकम बैक व्यूअर्स, तुम दिसो पे सलाम सिंध, माया तांजी होस्ट महामामिर। ब्रेक का पेरी अस मेक अ विश के बारे में गलायूं पे, ऑर्गेनाइजेशन जो एतो वो कम करे पी नंढे बार की ख्वाहिशों जो चाहन पे पूरे करें, चाहे वो नंढी होजन या चाहे वो वही होजन उनके पूरे करन पे। असा सगे इतने वेठा है मिर्जा इश्तियाक बेग साहब जो प्रेजिडेंट हैं पाकिस्तान में मेक अ विश, चाहे उन गाल कई पर मुझे स्क्रीन डिस्क्लोज थी वही इन करें तो मुझे बुधाइण हो तो मुसा गए टे इतने पर्सनैलिटी वेठी उन केरन सभी का पेरी स्टार्ट क्यों था अड़ी पर्सनैलिटी जो अज डबल बल्कि ऑब्वियसली सलमान खान उन जो फेवरेट स्टार आए तो जो हेरे ही कपड़न में हेरे ही ड्रेसअप में आई हूं इतने जो मुसा गए वेठी ढी स्वीट ढी शैतान भी लगन पे उनसा गए थोड़ी गाल बोल थी गए वेठी हुबैबा जहां इतने वेठी उनसा गए इतने वेठा बिल्कुल बॉडीगार्ड के कॉस्ट्यूम में सलमान खान के कॉस्ट्यूम में वेठा अनस साहब जहां हैंडसम भी लगन पे उनसा गए वेठा शेरोज जहां दबंग के करेक्टर में इतने मौजूद है तो अचो उनके वेलकम कंदी तुम भी इसके ज्वाइन कर उनसा गाल कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? बिल्कुल बेबा, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। आप सबको खुद बता दो कि आप क्या बनी हो आज, क्योंकि वो दोनों तो मैंने बता दिए, अब आप बताओ आप क्या बने हो। मैं सोनाक्षी सिन्हा बनी हूं। सोनाक्षी सिन्हा बनी हो, अच्छी लगती है आपको? अरे जबरदस्त। सलमान खान से मिलने आप तीनों गए थे जी, कैसा लगा तीनों का बारी बारी बताओ। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मिले उनसे जाके। क्या दिया उन्होंने आपको? उन्होंने दी है उनकी वॉचेस। वाओ दैट्स अमेजिंग। उसके अलावा आप बताओ मुझे कैसा लगा आपको अनस? बहुत अच्छा लगा और मजा आया, काफी अच्छे से मिलना चाहते थे लेकिन मिल लिए। फिर पिक्चर विक्चर्स खिंचाई बहुत सारी, पिक्चर्स वीडियो बनाई, पिक्चर्स ली। वाओ, और आप आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत मजा आया। अच्छा एक बात बताओ मुझे शेरोज, आप भी इसी कॉस्ट्यूम में वहाँ पे गए थे जी, तो वहाँ जब गए तो उन्होंने देख के आपको क्या कहा? कह रहे थे कि दबंग क्या जबरदस्त। कोई डायलॉग वायलॉग भी मारा मारा या नहीं मारा? नहीं। मारा डायलॉग, कौन डायलॉग मारा बताओ? मैंने ना दबंग का डायलॉग बोला। बिल्कुल करेक्टर में होके बताओ यार, ऐसे नहीं, सही से सिंपली खड़ी होती हूँ, सप्पा से डर नहीं लगता, हाँ प्यार से लगता है। और फिर आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उसका उन्होंने फिर वो बोला प्यार से दे रहा हूँ, रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकता हूँ। तो उसके साथ उनके साथ बातें की, टाइम स्पेंड किया। सबसे बेस्ट चीज आपकी, जब आपकी विश पूरी हुई तो आपको सबसे पहले किस चीज का ख्याल आपके दिमाग में आया कि विश पूरी हो गई अब क्या करना है आगे? क्योंकि आपने मुझे बताया आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के सबसे पहले अच्छा काम क्या करोगी?
डॉक्टर बनके मैं जैसे ही मैं खुद मतलब कि मरीज हूँ वो बीमार हूँ तो उसलिए मैं अपनी जितनी देखभाल कर सकती हूँ मतलब करूँगी, लेकिन ना मैं दूसरों को और नसीहत दूंगी कि आप जैसे कि आप जैसे कि मैं इस बीमारी में मुबतला हूँ आप इसको इस बीमारी में मुबतला ना हो पाए, जैसे कि लोग को होता है ना कि बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा वैभव कौन सी क्लास में हो आप? एट क्लास में। अच्छा तो क्या मतलब डॉक्टर तो बनना है लेकिन फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। डॉक्टर बनना है लेकिन इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है, साइंस पसंद नहीं है? साइंस भी पसंद है लेकिन इंग्लिश में ही साइंस आ जाती है ना वो। ओ अच्छा मतलब इंग्लिश में पढ़ना पसंद है। उर्दू तो यार मुझे भी नहीं पसंद थी लेकिन मुझे कभी डॉक्टर भी मैं नहीं बन सकती थी क्योंकि बहुत मुश्किल है उसमें बनना, लेकिन अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश भी पूरी करे आपको डॉक्टर बने। फिर डॉक्टर बन के आना तो मेरे जब बाल व्हाइट होंगे ना तो फिर नाराज नहीं होना क्योंकि मैं तो बुढ़ी हो चुकी होंगी तब तक, मिलोगी ना फिर मुझसे आगे। और आप बताओ आपको क्या बनना है? मुझे आईटी एक्सपर्ट बनना है, कंप्यूटर में ही आ गई हूं। जबरदस्त मतलब फिर आपका भी एक जैसे हम लोगों ने शो से बिल्कुल स्टार्टिंग में एक आरफा करीम रंधावा जिनकी अभी डेथ हो गई उनके बारे में बात की, उन्होंने भी तो आईटी के बिल्कुल पाकिस्तान में एक नया दरवाजा खोला दोबारा से, तो उनकी तरह अपना नाम बनाओगे जी पाकिस्तान में। नाइन क्लास में हो जी? नाइन। सब्जेक्ट कौन सा आपके पास? बायोसाइंस। यार ये सब उल्टा क्यों हो रहा है, बायोसाइंस ले रही है लेकिन आईटी में काम करना है? बायोसाइंस मामा को पसंद था इसलिए लिया, और साइंस मुझे भी अच्छा लगता है, और कंप्यूटर मेरा अपना शौक है वो मैं करूँगा। जबरदस्त। कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हो? गेम्स भी खेलता लेकिन वेबसाइट बनाना पसंद है। अरे जबरदस्त यार, मैं तो आने वाले स्टार्स सर बल्कि आप लोग स्टार भी उनके साथ में बैठे हो। आपको क्या शौक है सर, आप क्लास सिक्स में और फुल पुलिस के वर्दी में सब मौजूद हो, आपको क्या बनना है? मुझे आर्मी में जाने का शौक है। यार मैंने ये सवाल क्यों पूछा, मुझे तो कॉस्ट्यूम लेके पता चल जाना चाहिए था कि आर्मी में जाना है। आर्मी में जाके सबसे अच्छा काम क्या करोगे? अपने मुल्क की सेवा करोगे? जबरदस्त सर। हाउ डू यू फील व्हेन दे टॉक लाइक दैट? वो इतने मजेदार बातें बच्चे कर रहे हैं, बिकॉज आई कांट स्टॉप टॉकिंग टू देम, इट्स सो मच फन। देखिए इन लोगों की प्यारी प्यारी बातों ने सलमान का भी दिल इतना वो मोह लिया कि वो चाहता था कि ये कुछ दिन और वहाँ पे रहें। हाँ, बट उसको खुद भी ट्रैवल करना था जी। तो एक तो माशाल्लाह इन लोगों ने इतनी हमारे जो तीन दिन गुजरे बहुत ही अच्छी एसोसिएशन रही इन बच्चों के साथ। हमारी वहाँ सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि इनके बच्चों के चेहरों पे अगर खुशी आ जाती है जी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। हम बहुत खुश हैं कि आज ये बच्चे खुश हैं, इनका जो ख्वाब है वो पूरा हुआ है। नेक्स्ट मंथ हमारे, अब देखिए बच्चों की विशेष कितनी डिफरेंट होती हैं, कुछ बच्चों की हमारी विशेष आई हैं जो उमरा करने जाते हैं जाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम दो बच्चों को जी उमरा कराने भी लेके जा रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की विशेष होती हैं। और फौजी का जैसे आपने जिक्र किया, मैं आपको बताऊं कि अभी तक 8 बच्चे फौजी बन चुके हैं, और ये फौजी ये नहीं कि हमने सिर्फ उनको यूनिफॉर्म पहनाई है, बाकायदा उन्होंने एक दिन फौज के साथ गुजारा है, हर वो ट्रेनिंग की है जो जवान जो हैं वो उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। और इन बच्चों को जो फौजी बने हैं हौसला अफजाई के लिए क्यानी साहब ने GHQ के अंदर इन्वाइट किया था, और जब मैं उनको लेके गया उन छोटे नन्हे बच्चों ने सिपाहियों ने उनको सलूट किया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, तो वो देखने का एक मौका था। और उन्होंने भी यही कहा कि सर हम आपके साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो एक तरफ जहां पर दहशतगर्द इन बच्चों को ब्रेन वॉश करके सुसाइड बमर बना रहे हैं, ये बीमार बच्चे जो हैं वो फौज का हिस्सा बन के जी दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है दहशतगर्दी को हमने दिया है जी। बिल्कुल, मैं सब बातें सोच रही थी और इन बातों बातों में एकदम मुझे ऐसा ख्याल आया कि हम लोग कितनी सारी चीजों को बिल्कुल हमारे पास होते हुए भी हमें इनका बिल्कुल ख्याल नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि सेहत होती है उसका ख्याल नहीं होता। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इनको कौन से टाइप का प्रॉब्लम है? देखिए दो बच्चे जो है इसके अंदर वो थैलेसीमिया मेजर का है, जैसे अभी ये बतला रही थी कि हम चाहते हैं कि लोगों को पता लगे। थैलेसीमिया मेजर ऐसा है कि अगर वालदैन जो है वो एक टेस्ट अगर नहीं कराते, जो कि अगर दो माइनर होते हैं तो फिर बच्चे जो हैं मेजर होते हैं, जिसमें फिर ये होता है कि अब जैसे अभी मुझे अनास भी बतला रहे थे कि कल ही इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है और हर 15 डेज के बाद इस तरह का हो रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अपार्ट फ्रॉम दिस के ब्लड को वो करना चाहता है। ये इतने एनर्जेटिक हैं कि पूरी पूरी रात ये बॉम्बे के अंदर जागे हैं, हम सो रहे होते थे और ये नीचे लॉबी के अंदर जनाब शैतानियां कर रहे होते थे जी। और शहजोर जो है बेटा, मैं उनको शहजोर ही कह रहा हूँ, कल भी किसी ने उनको ही इस जी कुछ हार्ट कॉम्प्लिकेशंस है, इनकी हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ जी।
बट माशाल्लाह बात ये नहीं है कि जी बीमारी है, बात ये है कि एक जज्बा है लाइफ को एंजॉय करने का, और ये बड़े इनको अल्लाह ने हिम्मत दी है। बिल्कुल, यहाँ मैं जरूर आपको इंटरप्ट करके एक बात जरूर बोलूंगी, जो आप लोग तीनों को जो प्रॉब्लम है या जिसको बीमारी बोलते हो, तो सिर्फ बीमारी नहीं बोला करो, इसको बोला करो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके साथ जरूर एक चीज मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला जो है ना, वो ऐसे लोगों को इस तरह की बड़ी बड़ी टेंशन देता है जो कि ज्यादा ताकतवर और हिम्मत वाले होते हैं। मतलब जो हम लोग हैं ना, वी रियली सिंपल एक्चुअली। आप लोग स्टार्स हो, इतने बड़े बड़े जैसे आप लोग को प्रॉब्लम आती है, आप उसको फेस